The question says, a particle moves in a straight line with a constant acceleration. It changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second while passing through a distance 135 meter in t second. The value of t is. तो ये क्वेश्चन आया था AIPMT prelims में 2008 में. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है कि इसने हमें बोला है कि पार्टिकल है और वो स्ट्रेट लाइन पर मूव हो रहा है. ठीक है, तो सपोज करते हैं ए हमारी इनिशियल लोकेशन है और बी हमारी फाइनल लोकेशन है. जब ए लोकेशन से निकलता है तब उसकी वेलोसिटी होती है 10 meter per second. तो उसको बेसिकली क्या बोलेंगे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल बी पॉइंट पर हुई कितनी, 20 meter per second. और जो टोटल डिस्टेंस है वो है हमारा एस इक्वल टू 135 meter. तो हमें यहाँ पर टाइम पता करना है कि कितना टाइम इसको लगा. ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड टाइम. तो ये डायरेक्टली फाइंड नहीं होगा, इसके लिए हमें दो फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे. तो पहला फार्मूला हम यूज़ करते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. यहाँ से हम निकालेंगे ए और फिर हम दूसरा फार्मूला वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा कर निकाल लेंगे. ठीक है, तो वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर मतलब हमारा हो गया 20 का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस टू ए हमें मालूम नहीं और एस हमारा 135. तो 20 का स्क्वायर होगा 400, 10 का स्क्वायर होगा 100 प्लस 2 इंटू 135 हो जाएगा हमारा, या फिर अभी इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, थोड़ा सा से कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा. ठीक है, 100 को यहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 300 बाई 2 इंटू 135. अभी ये इंटू इसलिए नहीं मैंने किया था क्योंकि अभी यहाँ से ये चीज़ बहुत आसान होने वाली है. तो ये 2 से कैंसिल करेंगे सबसे पहले, तो ये बनेगा 150. 15 की टेबल सीधी आपको यहाँ पढ़ देनी है. ठीक है, तो 15 10 जा 150 और 15 9 जा 135. तो ये हमारे लिए फैसिलिटी मिल गई. तो यहाँ से हमारा ए आ चुका है, ए इज 10/9. इसको भी सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है. ठीक है, आपको अब देन इसके बाद जो हमें दूसरा फार्मूला यूज़ करना है वो है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी. और यहाँ से हमें मिल जाएगा अब टाइम. तो वी हमारा है 20, यू है हमारा 10, एसलेशन आपने अभी निकाला 10/9 और टाइम जो कि टी हमें निकालना है. इसको यहाँ लेकर जाते हैं तो 20 - 10 हो जाएगा 10 इक्वल टू 10/9 टाइम्स ऑफ टी. 10 से 10 हो गया सीधा कैंसिल और 9 यहाँ जाएगा तो 9 इक्वल टू टी मतलब 9 सेकेंड. ओके, तो अब देखा जाए तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा. ऑप्शन फर्स्ट इज आर राइट आंसर.